हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे बोर्ड पे। क्लास 12th, यूनिट नंबर 3rd और वीडियो नंबर 6। बेटे ये तीसरी यूनिट का छठा वीडियो है, और बेटे इससे पहले 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। उस लिंक में भी आप बेटे तीसरे यूनिट को पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है बेटे? तो आज का टॉपिक देखो कितना अच्छा है हमारा। आज का हमारा टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, या फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज हम पढ़ेंगे बेटे फैराडे के नियम, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये थ्योरी में पूरा ही क्वेश्चन आ जाता है कि फैराडे के नियम बताओ, और या फिर बेटे इसके ऊपर आ जाता है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हम दोनों चीजों को बिल्कुल लेके चलेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम पूरा कवर करेंगे बेटे। तो चलो सबसे पहले लिखा हुआ बेटे प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ। फैराडे का पहला नियम क्या था? बड़ा सिंपल था बेटे पहला नियम। देखो यहाँ मैंने एक डायग्राम बना रखा, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बेटे विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या करा था? दो इलेक्ट्रोड लगाए थे, एक कैथोड एक एनोड, और बर्तन में बेटे क्या भरा था बताओ? बर्तन में भरा था विद्युत अपघटन का विलयन, जैसे NaCl का जल में विलयन बनाया और इसमें भर दिया। तो आपको पता कि जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो जो NaCl के आयन है, धन आयन और ऋण आयन, धन आयन कैथोड पर एकत्र हो जाएंगे या कैथोड पर मुक्त हो जाएंगे, और Cl नेगेटिव आयन कहाँ एकत्र होंगे बेटे? एनोड पर। या कहाँ मुक्त होगी क्लोरीन गैस? एनोड पर। ठीक है बेटे? तो हमें एक बात का पता चला कि जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में आप विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हो, तो इलेक्ट्रोडों पर कोई पदार्थ या तो एकत्र होता है या फिर मुक्त होता है। तो फैराडे ने पता क्या बताया बेटे? फैराडे ने बताया कि जो विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्र होने वाले जो पदार्थ हैं ना, उनकी मात्रा या उनका द्रव्यमान या उनका भार इस विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। दोबारा सुनो ध्यान से। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले या मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है ना बेटे, वो सेल में प्रवाहित होने वाले आवेश के क्या होती है? समानुपाती। तो मैं लिख रहा, जरा ध्यान से देखियो, आप यहां से लिख रहा हूं मैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटे बिल्कुल और समझेंगे, विद्युत अपघटन की क्रिया में, देखो सही लिख रहा ना मैं बिल्कुल, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित। भाई मुक्त कौन होगा? गैस तो होगी मुक्त, यदि गैस वहां बनी तो। और एकत्रित कौन होगा? जो ठोस होगा। मुक्त या एकत्रित होने वाले, मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों, कोई भी पदार्थ है जो एकत्रित हो रहा है, पदार्थों की मात्रा, ध्यान से देखते रहेंगे सब बच्चे, पदार्थों की मात्रा सेल में, सेल का मतलब विद्युत अपघटनी सेल, ये जो बना रखा हमने, सेल में प्रवाहित, सेल में प्रवाहित आवेश के, सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है बेटे?
मतलब जितना ज्यादा आवेश आप प्रवाहित करोगे इस विद्युत अपघटनी सेल में, जितना ज्यादा आप आवेश प्रवाहित करोगे, सोडियम धातु उतनी ही ज्यादा इकट्ठी होगी, एकत्र होगी, कहाँ बेटे, कैथोड पर, और क्लोरीन गैस उतनी ही ज्यादा मुक्त होगी, कहाँ से, एनोड से। ठीक है बेटे, अब इस बात को हम संकेत में कैसे लिख सकते हैं? हम संकेत में लिखेंगे W अनुक्रमानुपाती Q। ठीक है बेटे, W का मतलब पदार्थ का भार जो एकत्र हुआ है किसी भी इलेक्ट्रोड पर, और बेटे Q क्या है? Q वो आवेश है जो आपने इस विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित किया है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आपने फिजिक्स में वो फार्मूला पढ़ रखा क्या, Q इज इक्वल टू आई टी? बताओ फिजिक्स वालों ने पढ़ाया क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल पढ़ रखा है, तो फार्मूला हमने 10वीं में भी पढ़ रखा है, क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो मुझे यूँ बताओ बेटे, ये जो ऊपर यहाँ क्यू लिखा हुआ है, यहाँ जो क्यू लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं आई टी लिख दूं? तो इसलिए बेटे ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू का निशान नहीं है तो प्रोपोर्शनल का है बेटे, डब्ल्यू प्रोपोर्शनल आई टी। ठीक है बेटे, डब्ल्यू प्रोपोर्शनल क्या हो गया, आई टी। और बेटे जब आप इस प्रोपोजनल के निशान को हटाओगे ना और यहां लगाओगे बराबर का निशान, तो बेटे हमें लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है जेड, तो यहां लिख दिया जेड आई टी, और बेटे इसे कर लिया बॉक्स में बंद। बहुत काम का फार्मूला है, एग्जाम में इस तरह भी पूछा जा सकता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अब यार एक सवाल तो और खड़ा हो गया, सवाल ये खड़ा हुआ कि यहाँ जेड क्या है जी, ये तो बता दो जेड क्या है। बेटे आपको पता कि प्रोपोर्शनल का निशान हटा के जब हमने बराबर का निशान लगाया, तो बेटे जेड कांस्टेंट होगा, स्थिरांक होगा या नियतांक होगा, पर इस नियतांक का नाम क्या है? इस नियतांक को बेटे कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। देखो मैं लिख रहा, इसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये बात सब बच्चे ध्यान रखेंगे, हमारे देश के प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि बेटे जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है बेटे, अच्छा यार एक बात बताओ, एक बात बताइयो बेटे, आपको पता चल गया कि W इज इक्वल टू जेड आई टी है, और आपको पता आई टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू। तो यूं बताइयो W इज इक्वल टू जेड क्यू नहीं लिख सकता क्या, लिख सकूं या नहीं लिख सकता, यूं बताओ। आप कहोगे जी लिख सकते हो बिल्कुल, W इज इक्वल टू जेड क्यू लिख सकते हो आप। यदि मैं आपको यूं कह दूं, मैं आपको यूं कह रहा, यदि सेल के अंदर जो प्रवाहित आवेश है, जो आप आवेश प्रवाहित कर रहे, सेल में जो आवेश प्रवाहित कर रहे ना, वो क्यू जिसे आप कहते हो क्यू, ये 1 कूलाम हो जाए, कितना हो जाए बेटे, 1 कूलाम। मान लो आपका जो विद्युत अपघटनी सेल है ये वाला, और इसमें आप कितना आवेश प्रवाहित करो बेटे, 1 कूलाम, तो क्यू बराबर 1 कूलाम रखेंगे। तो यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करोगे, तो बताइयो डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जेड के। डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जेड के। अब इससे फायदा पता क्या हुआ, इससे फायदा हुआ कि आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा पता चलगी। क्या परिभाषा पता चली, कि जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में, यहाँ देखो जरा ध्यान से, यहाँ देख रहे सारे बच्चे, जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है, क्यू बराबर 1 कूलाम है ना, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो उस सेल में इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने वाले या एकत्र होने वाले, चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो, एकत्र होने वाले पदार्थ की मात्रा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। यह पदार्थ की मात्रा है और यह विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। बताओ समझ में आई क्या बात? तो सेल में बेटे कितना आवेश प्रवाहित करोगे, 1 कूलाम आवेश, और 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर जितना भी मात्रा, जितना भी द्रव्यमान, जितना भी भार एकत्र होगा पदार्थ का, उसे हम उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। बताओ समझ में आ रही है बात? देखो मैं यहाँ लिख रहा, यहाँ लिख दूं इस बात को, आप अपनी कॉपी में नीचे लिख लियो, मैं लिख रहा यहाँ, तो आपको यही नहीं लिखना, बिल्कुल यही डिजाइन ना बना दियो।
ये चीज आपको बेटे नीचे लिखनी है, यहाँ जगह नहीं है ना मेरे पास बोर्ड पे, यहाँ लिख रहा अतः स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट होता है की के बाद इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, अरे यहाँ कोमा लगा दिया, स्पष्ट होता है कि जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में, समझ रहे सब बच्चे, जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में एक कूलाम, ठीक है बेटे, एक कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है, ठीक है बेटे, प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त कह दो या एकत्रित कह दो, एक ही बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा ही उसका उसका माने किसका, उस पदार्थ का जो एकत्रित हुआ, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक, अब बताओ क्या लिखूं, कहलाती है, ठीक है बेटे, बताओ समझ में आया क्या, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि फैराडे का पहला नियम क्या है। फैराडे का पहला नियम कुछ नहीं है, लोगों ने बोझ बना रखा अपने दिमाग पर, हमारे दिमाग पे भी, और हमारे जैसे गरीब आदमियों को बहुत परेशान कर रखा फैराडे के पहले नियम ने, कुछ नहीं है, नियम यो है कि जितनी ज्यादा आवेश आप इसमें प्रवाहित करोगे, ये जो पदार्थ हैं इलेक्ट्रोडों पे उतने ही ज्यादा जम जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे इलेक्ट्रोडों पर, बस इतनी सी बात है, ठीक है बेटे। तो आप जल्दी से स्क्रीन शॉट लो और हम चलते हैं एक कदम आगे, जल्दी लो बेटे, प्यारा सा स्क्रीन शॉट ले लिया हमारे देश के प्यारे बच्चों ने, स्क्रीन शॉट ले लिया, ठीक है बेटे। देखो बेटे अब पढ़ेंगे हम दूसरा नियम, ठीक है बेटे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है बेटे। देखो ये दो मैंने चित्र बना रखे, आप इन दो सिंपल से चित्र को देखो, ऐसा लग रहा होगा जैसे दोनों कुपोषण का शिकार हैं, ये बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बनाने की इन्हें कोई भी जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने बनाए हैं। मान लो आपके पास दो अलग अलग विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें कोई दूसरा विद्युत अपघटक भरा हुआ है और इसमें किसी दूसरे विद्युत अपघटक का विलयन भरा हुआ है, दोनों में अलग अलग विद्युत अपघटक के विलयन हैं, पर दोनों में एक खासियत है कि आपको समान धारा प्रवाहित करनी है। यदि दोनों विद्युत अपघटनों के जलीय विलयन में आप बराबर धारा प्रवाहित करोगे ना, तो इसमें भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रोडों पे एकत्रित होगा और इसमें भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होगा। बेटे इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ एकत्रित होगा ना, उसकी मात्रा इनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी, जिसका तुल्यांकी भार जितना ज्यादा है वो इलेक्ट्रोड पे उतना ज्यादा इकट्ठा होगा। दोबारा सुनो ध्यान से, मान लो इसमें ए कोई विद्युत अपघटक ए बी भरा हुआ है और इसमें विद्युत अपघटक भरा हुआ है एक्स वाई, ठीक है, तो वो पदार्थ ज्यादा एकत्र होगा इलेक्ट्रोडों पर जिसका तुल्यांकी भार ज्यादा होगा, ठीक है बेटे। पर इसकी एक शर्त है, शर्त यो है कि आप चाहे तो दो ले लो विद्युत अपघटक और चाहे ले लो तीन, पर सारे विद्युत अपघटक के विलयनों में बराबर धारा प्रवाहित करनी है, ठीक है बेटे, धारा बराबर होनी चाहिए। तो देखो जरा क्या समझा हमने, हमने समझा जब, यहां से लिख दूं क्या, जब विभिन्न विद्युत अपघटियों में, जब विभिन्न विद्युत अपघटियों में
समान धारा, समान धारा प्रवाहित की जाती है, समान धारा प्रवाहित की जाती है, समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित, एकत्रित कह दो या मुक्त कह दो, एक ही बात है। चलो लिख रहा मैं, या मुक्त, मुक्त भी लिख दूं, एकत्रित या मुक्त पदार्थों की मात्रा, पदार्थों की मात्रा उनके किसके समानुपाती बताई थी, बताओ अभी मैंने, उनके तुल्यांकी भारों, तुल्यांकी भारों। अच्छा एक चीज और लिख लो, चलो, वह विद्युत रासायनिक तुल्यांकों, जो अभी वो कांस्टेंट आया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जेड, विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, थ्योरी को देखते हुए भी और बेटे न्यूमेरिकल को देखते हुए भी, ठीक है, होती हैं, लिख दिया मैंने। अब देखो एक चीज समझो, मान लो आपके पास एक पहले वाला जो विद्युत अपघटक का विलयन है उसमें इलेक्ट्रोड हुए पदार्थ की मात्रा है W1, तो W1 अनुक्रमानुपाती किसके होगा, इसके तुल्यांकी भार E1 के अनुक्रमानुपाती होगा या समानुपाती होगा, ठीक है। और बताइयो बेटे दूसरे में, यदि इसमें एकत्र हुए पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पे W2 है तो W2 किसके समानुपाती होगा, इसके तुल्यांकी भार E2 के समानुपाती होगा। तो यदि मैं इन दोनों संबंधों को, ये जो दो संबंध आपके सामने आए, इन्हें एक साथ लिख दूं, जैसे आप यही तो लिखोगे, W1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की के लगा दिया और E1, और यहाँ लिखोगे W2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लगा दिया और लिख दिया E2। जब आप इन दोनों को, इसे W1 को W2 से भाग करोगे तो के से तो के कट ही जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा बेटे, तो इसलिए हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, W1 बटे W2 इज इक्वल टू E1 बटे E2। बस मैंने के नहीं लिखा क्योंकि यहाँ भी के लिखता, यहाँ भी के लिखता, फिर उन्हें काटता मैं, तो मैंने बेटे सीधा लिख दिया W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 बटे E2। एक तो यह फार्मूला बहुत काम आने वाला है हमारे न्यूमेरिकल्स में, और थ्योरी में भी आता है। अब मुझे अच्छा एक बात बताइयो आप, अभी हमने यूं नहीं पढ़ा था, W इज इक्वल टू ZIT नहीं पढ़ा था क्या अभी पहले नियम में, तो मैं W1 की जगह क्या लिख सकता हूं बेटे, W1 की जगह क्या लिखूं मैं, यूं बताओ, Z1 IT, समान धारा समान समय तक प्रवाहित करी हमने दोनों बर्तनों में, और बेटे W2 की जगह क्या लिखूं, Z2 इंटू IT इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। IT से तो IT कैंसिल हो गया बेटे, क्या बचा बताओ, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, यही तो बचा बेटे। ये भी बहुत काम का फार्मूला है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। क्या मैं इन दोनों फार्मूलों को एक साथ जोड़ के लिख दूं, यदि आप दोनों फार्मूलों को एक साथ लिखोगे तो यह बनेगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2, और यहां लिखूंगा E1 अपॉन E2 किसके बराबर है बेटे, Z1 अपॉन Z2 के, Z1 अपॉन Z2 के। ये बहुत काम का फार्मूला है, थ्योरी के लिहाज से भी और बेटे न्यूमेरिकल के लिहाज से भी, आप इसे पक्का करेंगे बिल्कुल एकदम। अच्छा बच्चों एक काम करो, आप एक हेडिंग लिख लो नोट, इस नोट हेडिंग में एक बहुत अच्छी बात बताने वाला मैं आपको, जरा यहां देखो, ई के सामने जेड है तो मैं लिख सकता हूं कि ई अनुक्रमानुपाती है जेड के,
तो आप जब इस अनुक्रमानुपाती का निशान हटा के बराबर का निशान लगाओगे तो यहाँ जो कांस्टेंट लगता है ना बेटे, देखो अनुक्रमानुपाती का निशान हटा के हम किसका लगा रहे हैं, बराबर का निशान, तो यहाँ जो कांस्टेंट लगता है उसे कहते हैं एफ। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत काम आने वाली चीज है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा जी एफ क्या है, तो एफ का आपको पता होना चाहिए। एफ जो है बेटे इसे कहते हैं एक फेराडे, फेराडे के नियम ही तो पढ़ रहे हम, इसे कहते हैं एक फेराडे। क्या कहते हैं बेटे, एक फेराडे। और एक फेराडे पता कितना होता है, 96,500 कूलाम। कितना होता है बेटे, एक फेराडे आवेश का मात्रक, इसका क्या होगा कूलाम। एक फेराडे का मतलब 96,500 कूलाम। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 96,500 गुलाम एक फेराडे, मतलब ये हमें बता तो दिया आपने, पर इसका मतलब क्या है एक फेराडे का। बेटे एक फेराडे का मतलब पता क्या है, एक फेराडे का मतलब मैं बता रहा, ध्यान से देखियो जरा, एक फेराडे का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है उसे कहते हैं एक फेराडे। अब यदि मैं इसे निकाल लूँ ना, तो 1 मोल, 1 मोल का मतलब 6.023 × 10 की घात 23, ये तो हो गया 1 मोल। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है बेटे, 1.602 × 10 की घात −19 कूलाम। तो जब आप इन दोनों की, यह तो है 6.023 × 10 की घात 23 और एक है 1.602 × 10 की घात −19, जब इन दोनों की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 96488, 96488.4 के लगभग आ जाएगा। ठीक है बेटे, और इसे लगभग बराबर मान लिया जाता है, मैं लिख रहा लगभग बराबर, इसे लगभग बराबर मान लिया जाता है किसके, 96,500 कूलाम के। ठीक है बेटे, तो 96,488 है पर इसे 96,500 कूलाम के बराबर मान लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं एक फेराडे। क्या कहते हैं बेटे, एक फेराडे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। चलो बेटे एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं बोर्ड एग्जाम के, जो हमारे फेराडे के नियम पर आधारित हैं। एक क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए AgNO3 तथा क्यूप्रिक लवण के विलयन में समान धारा प्रवाहित किया जाता है, यदि निक्षेपित सिल्वर का भार 1.08 ग्राम, यानी कि सिल्वर तो इकट्ठा हुआ 1.08 ग्राम है, तो निक्षेपित कॉपर का भार ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहे कि कॉपर कितना एकत्र होगा, और बेटे सिल्वर का इन्होंने इक्विवेलेंट वेट माने तुल्यांकी भार दे दिया 108, और कॉपर का भी दे दिया क्यूप्रिक आयन का, यहाँ लिखा हुआ ना क्यूप्रिक 31.75। तो हमें बेटे इस क्वेश्चन से बताना है कि कॉपर कितना प्राप्त होगा यदि सिल्वर इतना प्राप्त हो रहा है। तो मैं यहाँ तो लिख रहा बेटे सिल्वर, ये यह तो है सिल्वर का सेल और ये है कॉपर का। ठीक है, ध्यान से समझ दे रही हो। इन्होंने कहा कि श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उन पर विद्युत धारा यानी I का मान समान होता है, और फैराडे का दूसरा नियम हमें यही बताता है कि सेल, जितने भी विद्युत अपघटनी सेल आप लोगे उनमें बेटे धारा बराबर होनी चाहिए। तो धारा बराबर रखने के लिए ही इन्हें किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। AgNO3 क्यूप्रिक लवण के विलयन में समान धारा प्रवाहित किया जाता है। सिल्वर का भार दे रखा 1.08 ग्राम, मैं लिख रहा W1 = 1.08 ग्राम। और बेटे कॉपर का भार इन्होंने पूछा, W2 = क्वेश्चन मार्क लगा दिया लो। अब यहां से देख के बताइए सिल्वर का तुल्यांकी भार कितना दे रखा,
ईवन लिख दूं क्या इसे? ईवन दे रखा है इन्होंने बेचारों ने 108, और बेटे कॉपर का कितना दे रखा? E2 लिख दूं बेटे, ये दे रखा है 31.75। समझ रहे ना? बिल्कुल कुछ नहीं है, जो चीज इन्होंने दे रखी थी वो लिख दी। अब फैराडे का दूसरा नियम में लगा रहा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ठीक है, बताओ ये वाला नियम अभी पढ़ाने क्या हमने? उसने ही तो, फैराडे ने ये कहा था कि जितना भार या द्रव्यमान एकत्र होगा वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। ये इसके समानुपाती है, ये इसके समानुपाती है। बताओ W1 कितना है? 1.08। W2 कितना है? W2 तो बेटे निकालना ही है। E1 कितना है? E1 है 108, और बेटे E2 कितना है? 31.75। कर लोगे कैलकुलेट क्या होगा? W2 इज इक्वल टू, इन दोनों की गुणा हो जाएगी और 108 चला जाएगा उसके बटे में। 1.08 गुणा 31.75 और बटे में क्या जाएगा? 108। यार इस दशमलव को हटाओ और नीचे लिखो 100। 108 से 108 को मार दो, और 100 में कितने जीरो हैं? दो, तो दो जीरो के कारण दशमलव दो अंक इधर से रख जाएगा और हमारा उत्तर आ जाएगा 0.3175 ग्राम। चाहे यहाँ जीरो लगा दो पहले, यह आंसर आ गया आपका। लो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, लियो बेटे स्क्रीनशॉट। देखो बेटे कितना मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। कॉपर सल्फेट विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया। कितने सेकेंड तक? 450 सेकेंड तक। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए, और कॉपर का परमाणु भार इन्होंने दे दिया हमें कितना बेटे? 63। चलो सॉल्व कर रहे इस क्वेश्चन को। इन्होंने कहा कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो पहले तो मुझे यूं बताओ कॉपर सल्फेट कैसे टूटता है आयनों में? ऐसे टूटता है, Cu डबल पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि कॉपर पे कितना आवेश आया बेटे? 2 इकाई धनावेश। और जब कॉपर पे 2 इकाई धनावेश आया तो इससे पता क्या फायदा होगा? इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जब कॉपर का आप तुल्यांकी भार निकाल लोगे ना, तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए आप अणु भार लिखोगे और उसके बटे में लिखोगे 2। ये 2 आवेश आया इसलिए बटे में 2 लिखा। जिस बच्चे को तुल्यांकी भार का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो गूगल पे सर्च करे या यूट्यूब पे सर्च करे, तुल्यांकी भार बाय KMD सहारनपुर। यदि आप इसे सर्च करोगे तो आपको ये तुल्यांकी भार या इक्वलेंट वेट पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे ढंग से। तो बेटे E यानी तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा? एटॉमिक वेट लिखा मैंने, एटॉमिक वेट परमाणु भार को 2 से इसलिए भाग कर रहा क्योंकि कॉपर के ऊपर 2 इकाई धन आवेश है। बताओ इन्होंने कितना दे रखा? 63। ए तो दे रखा 63 और बटे में लिख दिया 2। इसे ज्यों का तू रखो, बाद में हो जाएगा कैलकुलेट। इन्होंने कहा कॉपर सल्फेट विलयन को 2 एम्पियर की धारा से I बराबर कितना दे रखा बेटे? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकेंड तक T कितना दे रखा बेटे? 450 सेकेंड। ठीक है, विद्युत अपघटित किया गया, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। W पूछ रहे हैं हमारे से, W। ठीक है, तो कैसे निकलेगा सवाल? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पहला नियम लगा दो, W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, यह हमारा फैराडे का पहला नियम है, W इज इक्वल टू ZIT। अब आपको W निकालना ठीक है, I हमारे पास है ठीक है, T हमारे पास है ठीक है, पर यार ये Z तो हमारे पास है ही नहीं। बच्चे इसे देख देख के परेशान हो रहे कि जेड का क्या करें। तो बेटे जेड से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो क्यों नहीं है? क्योंकि जेड की जगह हम पता क्या लिखेंगे बेटे? हम जेड की जगह लिखेंगे E बटे 96,500।
और आईटी लिखेंगे, जो का क्यों। बस इस बात को ध्यान रखियो, अपने जहन में इस बात को बिल्कुल बिठा लो कि जड़ की जगह आपको क्या लिखना है, तुल्यांकी भार बटे 96,500। अभी थोड़ी देर पहले इस चीज को समझाया था मैंने वहां नोट में, जो येलो कलर की चौक से लिखा था। तो जेड की जगह ई बटे 96,500 लिखना, तो ये हो जाएगा। इधर लिख दूं क्या, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई, तुल्यांकी भार तो है ही हमारे पास, कितना है 63/2, ये लिख दिया मैंने 63/2। 96,500 नीचे है ही, ये लिख दिया 96,500। ऊपर क्या है, आई और टी, आई कितना है 2 एम्पियर और टी कितना है 450, ये लिख दिया 2 एम्पियर आई और टी लिख दिया 450। बताओ ये वैल्यू रख लोगे क्या आप। जब आप इसे बैठे कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आ जाएगा 0.293, 0.293 ग्राम। कर लोगे कैलकुलेशन तो ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो यार, सब बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। देखो बेटे ध्यान से देखियो जरा, ये तीन क्वेश्चन लिखे हुए, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तीसरा मतलब तीसरा चौथा और पांचवा, 1 मोल Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन को एल्यूमिनियम में अपचयित करने के लिए कितना आवेश चाहिए। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटे एनसीईआरटी और प्रीवियस बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहियो। हमें Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन जो है बेटे, Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन, इसे किस में बदलना है, इसे बदलना है एल्यूमिनियम में। तो मुझे यूं बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, जबी तो इसका अपचयन होगा। क्योंकि मैंने कल तुम्हें समझाया था कि अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, कल समझाया था कि यदि कहीं इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो इसका मतलब क्या होता है, अपचयन। तो यूं बताओ Al ट्रिपल पॉजिटिव को Al में बदलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए जो आवश्यक आवेश होगा ना, आवश्यक आवेश पता कितना होगा, आवश्यक आवेश होगा 3 फैराडे। कितना होगा बेटे, 3 फैराडे, क्योंकि 3 मोल इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ी है। और आपको पता है, मैंने आपको सिखाया है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कहलाता है 1 फैराडे। तो 3 फैराडे आवेश चाहिए, और यदि आपको इसे कूलाम में निकालना है तो आप क्या करोगे, 3 फैराडे को आप लिख सकते हो 3, और 1 फैराडे का मतलब 96,500 कुलाम। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा देखियो जरा, 3 पंजे 15 का 5, हासिल को 1, 3 छंग 18 और 1 हासिल का 19, हासिल को 1, 3 नम 27 और 1 हासिल वाला 28, और आगे कितने जीरो लगेंगे, 2। या तो इसे ही आंसर दो, और नहीं तो बेटे एक काम करो, इस दशमलव को यहां से उठा के यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये 2.895 × 10 की घात, कितने अंक सरका देखियो, 1 2 3 4 5, 10 की घात 5, इतने कूलाम आवेश की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे कह दो कि 3 फैराडे की जरूरत पड़ेगी, या इसे कह दो, या तीनों बात सही है, ठीक है बेटे। क्यों पड़ी 3 फैराडे की जरूरत, क्योंकि 1 मोल को एल्यूमिनियम में जब आप बदल रहे, तो 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1 फैराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 3 फैराडे, और 1 फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलाम। देखो चलो चौथा क्वेश्चन, 1 मोल Cu डबल पॉजिटिव को Cu में अपचयित करने के लिए कितना आवेश चाहिए। देखो Cu डबल पॉजिटिव है बेटे, क्या है Cu डबल पॉजिटिव, बताओ Cu डबल पॉजिटिव को किस में बदलना है, Cu में। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसलिए मैं कहूंगा कि आवश्यक आवेश 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही, तो क्या कहेंगे, 2 फैराडे। क्या कहेंगे बेटे, 2 फैराडे, यानी कि 2 × 96,500 कूलाम।
जिसे आप लिख सकते हो 2 5 10 का 0, हासिल को 1, और 2 6 12, और 1 हासिल का 13 का 3, हासिल को 1, 2 9 18 और 1 19, 2 0 ये लग गई। या तो यही आंसर दे दो, और या फिर इसे जो है दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1.93 × 10 की घात। कितनी लगाऊंगा बताओ, 1 2 3 4 5, इतने गुलाम, ये आ गया एक आंसर। अब देखो बेटे पांचवा क्वेश्चन, 1 मोल MnO4 नेगेटिव को Mn डबल पॉजिटिव में अपचयित करने के लिए कितना आवेश चाहिए? ध्यान से समझेंगे सब बच्चे इस क्वेश्चन को। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप कक्षा 11 में थे तो आक्सीकरण संख्या निकालनी सीखी थी ना आपने? आक्सीकरण संख्या Mn की निकालनी है यहाँ, और यहाँ इसकी आक्सीकरण संख्या है +2, क्योंकि आपने नियम में पढ़ा था किसी आयन की आक्सीकरण संख्या उसके ऊपर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। इस पे आवेश +2 है तो Mn की आक्सीकरण संख्या भी कितनी होगी बेटे? +2 होगी, ध्यान रखियो इस बात को। यहाँ देखो जरा ध्यान से, मुझे यूं बताओ कि मुझे निकालनी है Mn की आक्सीकरण संख्या, तो जिसकी आक्सीकरण संख्या निकालनी है उसे मैंने मान लिया x, प्लस 4 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, और पूरे के ऊपर आवेश कितना है -1। तो इसे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस माइनस माइनस और 4 × 8 बराबर -1। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? -1 और +8, तो कितना हो जाएगा? यू +7 ही तो हो जाएगा बेटे। तो इसका मतलब यहाँ Mn की आक्सीकरण संख्या कितनी है? 7। यहाँ Mn की कितनी है? 7, और यहाँ Mn की कितनी है? 2। तो आक्सीकरण संख्या बेटे हमें 7 से 2 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे? यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन बताओ? 7 से 2 करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए क्या? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेंगे तो 7 इकाई धनावेश में से 5 इकाई धनावेश खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ना, समझ में आई बात आपके? क्यों पड़ेगी 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत? क्योंकि यहाँ सीधा आवेश के हिसाब से देखना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, और वो बहुत लंबा हो जाता काम, तो इसलिए मैंने क्या करा, Mn की आक्सीकरण संख्या यहाँ भी निकलवा दी आपको कक्षा 11 के अनुसार, और यहाँ भी निकलवा दी। तो इसलिए आप लिखोगे आवश्यक, आवश्यक क्या लिखूं, आवश्यक आवश्यक आवेश 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगे, तो आप लिखोगे 5 फैराडे, और 5 फैराडे को लिखोगे 5 × 96,500 कूलाम। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 5 25 का 5, हासिल को 2, और 5 6 30 और 2 32 का 2, हासिल को 3, और 5 9 45 और 3 48, और 2 0 ये वाले यहाँ लग जाएंगे। आप चाहे तो इस उत्तर को दे दो, और नहीं तो ज्यादा ही तराना तो दशमलव यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। ये हो जाएगा 4.825 × 10 की घात 5, इतने गुलाम। ठीक है बेटे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, मैं फिर अगले क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, जल्दी लो बेटे स्क्रीनशॉट। ले लिया सबने? ठीक है बेटे, चलो बेटे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। छठा क्वेश्चन देखो, Al2O3 से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश कितना होगा? ठीक है बेटे, तो इन्होंने कहा Al2O3 से क्या बनाना है हमें, 1 मोल एल्यूमिनियम। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, आप मुझे यूं बताओ कि Al2O3 जो है, Al2O3 कैसे टूटता है आयनों में? ऐसे टूटता है कि 2 तो बनते हैं Al ट्रिपल पॉजिटिव, और बेटे 3 बनते हैं ऑक्सीजन डबल नेगेटिव। ऐसे ही तो टूटता है, और हमें बनाना है बेटे 1 मोल एल्यूमिनियम। तो 1 मोल एल्यूमिनियम को आप ऐसे ही तो लिखोगे, देखो कि Al ट्रिपल पॉजिटिव से आपको बनाना है 1 मोल एल्यूमिनियम, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे इसमें? 3 इलेक्ट्रॉन ही तो जोड़ोगे,
और तीन इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे का मतलब तीन मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। कितने मोल? 3 मोल। इसलिए आप लिखोगे आवश्यक, आवश्यक क्या लिखूंगा बेटे, आवेश। कितने आवेश की जरूरत पड़ेगी बताओ? हमें जरूरत पड़ेगी 3 फैराडे की, और 3 फैराडे का मतलब 3 × 96,500 कूलाम। बताओ आगे कर लोगे कैसे? कर लोगे गुणा तो इनकी। चलो ये देखो सातवां क्वेश्चन। जरा सातवें क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको कि Cu डबल पॉजिटिव के 4 ग्राम तुल्यांक को कॉपर धातु में अपचयित करने के लिए आवश्यक फैराडे की संख्या बताओ। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, विशेष रूप से इसमें दिए हैं ग्राम तुल्यांक। जहां भी ग्राम तुल्यांक दिए हो, दोबारा बोल रहा ध्यान से सुन लियो, जहां भी ग्राम तुल्यांक दिए होते हैं बेटे, तो ग्राम तुल्यांक फैराडे के बराबर होते हैं। ठीक है, जितने ग्राम तुल्यांक आपको चाहिए उतने ही फैराडे आवेश की जरूरत पड़ेगी। जितने ग्राम तुल्यांक आपको चाहिए उतने ही फैराडे आवेश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटे, तो हमें इन्होंने पूछा कितने फैराडे की जरूरत पड़ेगी। भाई जितने ग्राम तुल्यांक है उतने ही फैराडे की जरूरत पड़ेगी। तो हमने आंसर लिख दिया कि फैराडे की संख्या जो है हमेशा ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर होती है, और इसलिए फैराडे की संख्या एफ कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि ग्राम तुल्यांक कितने दे रखे इन्होंने? 4। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसे। तो जरा इस 8वें क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इसमें कहा 3 एम्पियर की धारा, मैं लिखता जा रहा, I बराबर 3 एम्पियर। 3 एम्पियर की धारा 50 मिनट तक टाइम दे रखा बेटे। 50 मिनट को सेकंड में बदल लो, 5 × 6 = 30, 2 0 ये वाले लग जाएंगे, 3000 सेकंड। प्रवाहित करने पर 1.8 ग्राम धातु, W दे रखा बेटे 1.8 ग्राम। धातु संग्रहित होती है, धातु का तुल्यांकी भार बताओ। ई पूछा उन्होंने हमारे से कि तुल्यांकी भार बता दो, जो हिम्मत है तो यहां कर दूं। इधर देखो आपको पता W इज इक्वल टू जेड आई टी, पता है ना? इन्होंने हमारे से पूछा ई, और आपको मैंने अभी सिखाया था कि जेड की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ? तुल्यांकी भार बटे 96,500 इंटू आई इंटू टी। ठीक है बेटे, हमें क्या बताना है? ई। यदि आप ई बताना चाहते हो तो इन दोनों की गुणा करो और बटे में ले जाओ आई टी को। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा डब्लू की गुणा 96,500 में, और बटे में किसे लिखना? आई टी को। यहां कर रहा क्वेश्चन, ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू डब्लू, बताओ कितना है? डब्लू है 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम इंटू 96,500। अरे ये तो 96,500 था, इसे क्या लिख दिया? इसे मिटा के सही कर रहा बेटे, देखो ये हो गया 96,500। तो W तो लिख दिया हमने 1.8, और ये लिख दिया 96,500 अपॉन आई की जगह क्या लिखूं बताओ? आई कितने एम्पियर था? 3 एम्पियर। और बेटे टी की जगह क्या लिखूं बताओ? 3000 सेकंड, 3000 सेकंड। अब बताओ इसे कैलकुलेट कर लोगे क्या? आप कर लोगे बेटे कैलकुलेट? इसका आंसर आ जाएगा 19.3, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना आप बेटे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा अगले क्वेश्चन करा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो बेटे जल्दी। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, निकिल नाइट्रेट के विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य 5 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रयुक्त करके विद्युत अपघटन किया गया। कैथोड पर जमा हुए निकिल का द्रव्यमान कितना होगा? और निकिल का परमाणु भार भी इन्होंने दे दिया 58.7। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि निकिल नाइट्रेट टूटता कैसा है। देखो Ni(NO3) का होल ट्वाइस, यदि ये आयनों में टूटेगा तो कैसे टूटेगा बेटे? निकिल के ऊपर आएगा 2 इकाई धनावेश प्लस 2 है नाइट्रेट, और इनके ऊपर आएगा 1 इकाई ऋणावेश।
हमें इससे मतलब है इससे। तो मैं यदि तुल्यांकी भार लिखूंगा तो तुल्यांकी भार को लिखूंगा अणु भार बटे दो, क्योंकि दो इकाई धनावेश है और अणु भार इन्होंने दे रखा है देखो 58.7, तो ये हो जाएगा 58.7 बटे दो। अब पढ़ रहा सवाल, निकिल नाइट्रेट का मैंने पूरा इस्तेमाल कर लिया के विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य 5 एम्पियर की धारा, आई बराबर क्या लिखोगे बताओ, 5 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक, टी बराबर क्या लिखोगे बताओ, 20 मिनट को सेकंड में बदल लो, कितना हो जाएगा बेटे, 2 6 12 और 2 0 1200 सेकंड। 20 मिनट तक प्रयुक्त करके विद्युत अपघटन किया, कैथोड पर जमा हुए निकिल का द्रव्यमान W पूछ रहे बेटे, W कितना होगा, फार्मूला वही है हमारा, हमें पता है W इज इक्वल टू क्या होता है, Z I और T, पहला नियम है फैराडे का, W इज इक्वल टू Z का आपको पता है E बटे 96,500 गुणा I और गुणा T, तो W बराबर हो जाएगा, E की जगह बताओ क्या लिखूं, E की जगह लिखना है 58.7 बटे दो, और नीचे ये भी है 96,500, I की जगह क्या लिखूं बताओ, I की जगह लिखेंगे हम 5 एम्पियर, क्या लिखेंगे बेटे 5 एम्पियर, और T की जगह क्या लिखेंगे 1200 सेकंड, 1200 सेकंड, बताओ कैलकुलेट कर लोगे क्या, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा 1.825, 1.825 ग्राम ये आंसर आ जाएगा बेटे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखियो जरा, अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा जलीय कॉपर सल्फेट विलयन तथा जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन, ये तो कॉपर सल्फेट है सिल्वर नाइट्रेट है दोनों अलग अलग है ना, यहाँ तो आपको कैथोड पे मिलेगा कॉपर और यहाँ आपको कैथोड पे मिलेगा सिल्वर, दोनों विलयन का दो विद्युत रासायनिक सेलों में 1 एम्पियर धारा द्वारा 10 मिनट में प्राप्त कॉपर तथा सिल्वर के द्रव्यमान समान होंगे या असमान, बताओ भाई, इन्होंने भले ही धारा बराबर दे रखी हो समय बराबर दे रखा हो पर यूं बताओ कॉपर और सिल्वर के तुल्यांकी भार अलग अलग नहीं है क्या, और जब इनके तुल्यांकी भार अलग अलग हैं तो अलग अलग भार या द्रव्यमान प्राप्त होंगे इनके इलेक्ट्रॉन पे, तो यहाँ लिख रखा मैंने उत्तर देखो, चूंकि दूसरा नियम है W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 बटे E2, यानी कि जो भार प्राप्त होते हैं वे तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं, चूंकि कॉपर तथा सिल्वर के तुल्यांकी भार अलग अलग हैं इसलिए भार भी अलग अलग होंगे, जब ये दोनों चीज अलग हैं तो ये भी दोनों चीज क्या होंगी, अलग अलग, ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे, देखो बेटे कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, गलित कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत आवेश की आवश्यकता पड़ेगी, और कैल्शियम का परमाणु भार इन्होंने कितना दिया है, 40 दिया है बेटे 40। तो सबसे पहली बात है गलित कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड कैसे टूटता है पहले तो यूं देख लो, कैल्शियम क्लोराइड टूटता है Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव में, हमें इसकी जरूरत है सिर्फ इसकी, क्योंकि आपको पता कि कैल्शियम ही तो कह रहे हैं कि 20 ग्राम कैल्शियम इकट्ठा होना चाहिए, तो बेटे आप तुल्यांकी भार निकाल लो, तुल्यांकी भार परमाणु भार को कितने से भाग देंगे, 2 से, क्योंकि 2 इकाई धनावेश इसके ऊपर आया है, ए कितना दे रखा वहां देखियो 40, परमाणु भार 40 दे रखा ना कैल्शियम का, बटे 2 बराबर 20, गलित कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम भार बेटे कितना प्राप्त होगा, 20 ग्राम प्राप्त होगा इलेक्ट्रोड पे यानी कि कैथोड पे, कितने फेराडे विद्युत आवेश की आवश्यकता होगी, क्यों पूछ रहे हैं हमारे से आवेश कितना चाहिए, ठीक है, और तो नहीं कुछ दिया, फार्मूला लगा रहे हैं, हाँ आप नीचे लिखा करो, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इधर लिख लेता हूँ, आप नीचे लिखा करो इस चीज को, हम फार्मूला लगा रहे बेटे W इज इक्वल टू Z I T, ठीक है बेटे, तो
आप मुझे यूं बताओ, जेड की जगह क्या लिखते हैं हम? ई बटे एफ। मैंने 96,500 की जगह फैराडे लिख दिया इनटू आईटी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो क्या निकालना, क्यू। अब बताओ मुझे, आप इस आईटी को क्यू तो लिख ही सकते हो भाई। मैं इसे आईटी ना लिख के क्यू लिख दूं, एक ही बात है बेटे, क्यू छोटा लिख दो या बड़ा लिख दो। क्यू निकालना है तो इन दोनों की गुणा करो और बटे में रखो ई को, इसलिए क्यू बराबर हो जाएगा डब्लू एफ बटे ई। आपको बता, एफ का मतलब फेराडे है, फेराडे माने 96,500 कूलाम, तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू डब्लू। कितना है बताओ, डब्लू कितना है? 20, और ई भी कितना है? 20। तो डब्लू की जगह लिखा 20 और फेराडे को फेराडे ही रहने दिया, अपॉन ई की जगह भी लिखा 20, या 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो कितना आया? 1 फेराडे। ये आंसर है, 1 फेराडे आवेश की जरूरत पड़ेगी। आप इसे चाहे 1 फेराडे कह दो, और यदि 1 फेराडे नहीं कहते तो 96,500 गुलाम कह दो, तब भी वही बात है। ठीक है बेटे, चलो 12वां क्वेश्चन देखो जरा। 12वें क्वेश्चन में कहा, गलित Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने में कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी? एल्यूमिनियम का परमाणु भार इन्होंने बेटे कितना दिया? 27 दिया। तो इसकी भी शक्ल देख लो बेचारे की, Al2O3 की, कि कैसे टूटता है। ऐसे टूटता है, दो तो बनते हैं Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन, और बेटे तीन बनते हैं ऑक्सीजन डबल नेगेटिव आयन। तो हम इससे निकाल लेंगे तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे तीन, क्योंकि ये 3 इकाई आवेश आया। परमाणु भार एल्यूमिनियम का कितना दे रखा? 27। 27/3 ही हम रख देंगे वैल्यू, जहां भी रखने की जरूरत पड़ेगी। गलित Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम डब्ल्यू दे रखा है इन्होंने, कितना? 40 ग्राम एल्यूमिनियम हमें प्राप्त करना है इलेक्ट्रोड पे, कितने फेराडे आवेश चाहिए? क्यों इन्होंने हमारे से पूछा है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर था। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी। आप लगाओगे डब्ल्यू इज इक्वल टू, जेड की जगह आप क्या लिखोगे? तुल्यांकी भार बटे 96,500 गुलाम या फेराडे। आई टी की जगह क्या लिखोगे? क्यू। क्यू निकालना है, इन दोनों की गुणा करो बटे में ई ले जाओ, तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एफ बटे ई। इनकी वैल्यू रख दो, डब्ल्यू कितना है? 40। डब्ल्यू तो है 40, गुणा एफ बटे ई कितना है? ई है 27/3। 27/3, तो 3 तो बेटे ऊपर चला जाएगा, 4 दुनी 8, 4 तिया 12, 120 एफ बटे 27। तो इसे भाग करके देख लियो, आप कर लोगे भाग, तो 120 को जब 27 से भाग दोगे 4.44 आ जाएगा लगभग, ये आ जाएगा 4.44, और फेराडे तो लिखूंगा ही मैं, ये आंसर है आपका। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लो, अच्छा जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटे, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा फेराडे के दोनों नियम, और उनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी। ठीक है बेटे, तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि प्लेलिस्ट में जाकर ही पढ़ाई करनी है, इधर उधर से कहीं से पढ़ाई नहीं करनी है, सीधा सीक्वेंस वाइज अपनी स्टडी करो, और सुंदर से नोट्स आप अपने बनाते रहो। जो भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट में लिख के मुझे भेज दिया करो, मैं अपनी तरफ से बेटे प्रयास करूंगा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।